सरोकार। लखनऊ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का औरैया दौरा आज, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सैफई से औरैया जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आज विधुना में रहेंगे अखिलेश यादव। लखनऊ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का औरैया दौरा आज, सैफई से औरैया जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आज विधुना में रहेंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, औरैया दौरे पर रहेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, 20 सड़क पर हुआ जमकर बवाल, जमकर चले ईंट पत्थर और सरिया, गाड़ी लड़ने पर शुरू हुआ था बवाल। हसनगंज थाने से चंद कदम की दूरी पर हुआ बवाल, पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। लखनऊ 20 सड़क पर हुआ जमकर बवाल, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जमकर चले ईंट पत्थर और सरिया, गाड़ी लड़ने पर शुरू हुआ था बवाल। हसनगंज थाने से चंद कदम की दूरी पर हुआ ये बवाल, पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए शुरू की कार्रवाई। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, करंट लगने से दो, बारिश के दौरान जूस की दुकान में करंट उतरा था, 40 वर्षीय रिया जुल हक, 28 वर्षीय पवन की मौत। कॉलोनी के मोड़ पर फ्रूट जूस की दुकान चलाते थे। सुशांत गोल्फ सिटी के ग्रीन सिटी कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। करंट लगने से दो जूस विक्रेता की मौत हो गई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बारिश के दौरान जूस की दुकान में करंट उतरा था, जिसके कारण दो व्यक्ति की मौत हो गई है। एक 40 वर्षीय रियाजुल हक, वहीं 28 वर्षीय कॉलोनी के मोड़ पर फ्रूट जूस की दुकान चलाते थे दोनों। सागर खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सागर जुड़ेंगे। सागर, इस खबर को लेकर क्या जानकारी है? देखिए मयूरी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बरसात का मौसम है और कहीं ना कहीं चाहे दुकानदार हों चाहे तमाम लोग हों, वो लापरवाही भी कर देते हैं, और लापरवाही का सबसे बड़ा नतीजा देखने को मिला है। सुशांत गोल्ड सिटी का पूरा मामला है लखनऊ के, और इसमें जो दो जो जूस विक्रेता है उनकी मौत हो गई है, क्योंकि उनके दुकान में करंट उतरा, और साथ ही साथ उनको कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी बात ये मायने रखती है कि अगर आपके दुकान के पास कोई भी अवैध तरीके से तार गुजर रहा है या कुछ भी गुजर रहा है तो उस पर ध्यान दिया जाए, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया और कहीं ना कहीं इन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने को मिला। ये 40 वर्षीय रियाजुल हक हैं और एक 28 वर्षीय पवन की इस पर मौत हो चुकी है। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और तमाम जो चीजें हैं तमाम पुलिस के द्वारा की जा रही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी आने वाली है और पोस्टमार्टम के लिए भेज भी दिया गया था। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली विभाग से लेकर जो नगर निगम है उसकी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है कि अगर किसी की मौत हो जाती है बिजली की वजह से या बिजली के करंट की वजह से, तो इसमें सबसे बड़ी बात खामियाजा बिजली विभाग को भी होता है और जिसकी मौत हुई है उसके घर वालों को भी होता है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि करंट लगने से जो दो जूस विक्रेता है उनकी मौत हो गई, और कई सालों से लोग यहाँ पे जूस की दुकान लगा रहे थे लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया और अचानक बीती रात को जो है यहाँ पे इनके दुकान में करंट उतरा है और करंट उतरने की वजह से इनकी मौत हो चुकी है। धन्यवाद सागर खबर पर जुड़ने के लिए। लखनऊ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन चौधरी का आज लखनऊ दौरा, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लखनऊ आ रहे भूपेंद्र चौधरी। सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम से करेंगे मुलाकात, बीजेपी कार्यालय में करेंगे मुलाकात। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। कार्य के लिए हमारे संवाददाता भिवांशु हमसे जुड़ेंगे। भिवांशु, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लखनऊ में आ रहे हैं, इसको लेकर क्या खबर है आपके पास? जी, आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज
लखनऊ पहुंच गए हैं, दिल्ली दरबार में गए थे, वहां से तमाम गाइडलाइन और वहां मिलने के बाद अब वो लखनऊ का उनका पहला दौरा है। आपको बताएं कि नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के लिए के बाद वो पहली बार लखनऊ आ रहे हैं, उनकी स्वागत के लिए जबरदस्त तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं आपको बताएं कि वह शताब्दी एक्सप्रेस से चलकर 12:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे लगभग। वहीं अगर बात की जाए तो उनके स्वागत के लिए राजधानी को भगवामय किया गया है, जहां कई तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, अनेक नेताओं के द्वारा उन्हें स्वागत किया जा रहा है। वहीं आपको बताएं कि बीजेपी के जो सह मीडिया प्रभारी हैं उनके मुताबिक बताया गया है कि उनके स्वागत अभिनंदन के लिए कार्यकर्ता पूरे जोश में और साथ ही साथ होर्डिंग बैनर पोस्टर झंडे लेकर उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। उसी क्रम में आपको बताएं कि आज अगर बात की जाए तो सूबे के मुख्यमंत्री साथ ही साथ दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, साथ ही संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। वहीं बताएं कि प्रदेश महामंत्री सुब्रत पाठक ने कल बताया था कि पदग्रहण कार्यक्रम में इसको सही ढंग से और साथ ही साथ देखें तो मनाने के लिए सभी वरिष्ठ नेता और संगठन के लोग मौजूद रहेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो उनकी जब वो उतरेंगे ट्रेन से तो वहां से बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो जगह जगह पर उन्हें रोक कर फूल माला पहनाएंगे, साथ ही साथ उन्हें स्वागत करेंगे कि आप प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लखनऊ आ रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि लोक भवन जाएंगे, लोक भवन में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को नमन करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि जो तमाम देखा जाए लोक भवन के अंदर में तो प्रतिमाएं हैं, चाहे बात की जाए अवंती बाई की प्रतिमा की, चाहे बाबा साहेब भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा को भी वो पुष्प अर्पित करेंगे। वहीं आपको बताएं कि कार्यक्रम के दौरान मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और वहीं बात की जाए तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, साथ ही साथ संगठन के धर्मपाल सिंह और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। जी धन्यवाद दिवांशु खबर पर जुड़ने के लिए। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट में की गई कई राउंड फायरिंग से गांव में फैलाई गई दहशत, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। ग्राम प्रधान और गांव के दूसरे गुट हुए थे आमने सामने, पुलिस ने प्रधान समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। लालगंज कोतवाली के पूरे इच्छाराम गांव का मामला बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट हुई है, मारपीट में कई राउंड फायरिंग की गई है, फायरिंग से गांव में दहशत फैल गई है।